नमस्कार, मैं हूं तनुजा। काफी लंबे समय के बाद आज एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। आज का ये वीडियो बेहद खास है। दरअसल केरल हाई कोर्ट का मैरिटल रेप केस से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला इन दिनों काफी सुर्खियों में है। कोर्ट ने मैरिटल रेप को तलाक का दावा करने के लिए एक मजबूत आधार बताया है। जी हाँ, कोर्ट ने कहा कि भारत में मैरिटल रेप के लिए दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये तलाक का आधार हो सकता है। दरअसल पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी की मर्जी के खिलाफ सेक्स करना मैरिटल रेप है, इसलिए इसे मानसिक और शारीरिक क्रूरता के दायरे में रखा जाता है, जिसके आधार पर पत्नी को तलाक मांगने का पूरा अधिकार है। मैरिटल रेप दुनिया के 150 देशों में कानून की नजर में दंडनीय अपराध है और हमारे देश में इसे अपराध नहीं माना जाता। इसके लिए कोई दंड नहीं, केवल ये कह दिया गया है कि पत्नी तलाक ले सकती है। और दुख तो तब हुआ जब कोर्ट के इस फैसले के बाद पढ़े लिखे लोग भी इसकी तारीफ करने लगे। माना कि फैसला अच्छा है, तारीफें काबिल है, या यूं कह लीजिए कि एक अच्छी पहल है, लेकिन आखिर कैसे लोगों के मन में ये सवाल नहीं आया कि इसके लिए हमारे देश में क्यों कोई सजा नहीं है? तलाक ले लेने भर से कब तक इस अपराध पर रोक लगेगी? देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जो मैरिटल रेप यानी शादी के बाद जबरदस्ती पति के कहने पर सेक्स करने को मजबूर हैं। शादी कर लेने के बाद पुरुषों को ऐसा क्यों लगने लगता है कि उनकी पत्नियों पर उनका पूरा हक है और वो जब चाहे अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई तो ऐसी महिलाएं भी हैं जो इसके खिलाफ बोलने में भी शर्माती हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि वह कुछ गलत बोल रही हैं। यहाँ तक कि जब इसे कानून के दायरे में लाने की बात की जाती है तो सरकार कहती है कि इससे परिवार टूटने लगेंगे, यानी कि परिवार बने रहने के लिए भले ही महिलाओं को हिंसा क्यों ना झेलनी पड़ जाए। भारत उन 35 देशों में से एक है जहाँ मैरिटल रेप को दंडनीय अपराध नहीं माना जाता। कई सालों से लोग मांग कर रहे हैं इसके खिलाफ कड़े कानून बनाए जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले सालों में भी ऐसा कोई फैसला आएगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती। जब भी ये मुद्दा उठाया जाता है लोग इसका मजाक बनाने लगते हैं। कई बार तो मैंने ही सुना है कि लोग हंसते हुए कहते हैं, पत्नी के साथ बलात्कार के खिलाफ कानून, शादी क्यों करी फिर हमने। यहाँ तक कि लोग कहते हैं, ये है ही नहीं हमारी सभ्यता में, आप गलत सवाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच, ऐसे समाज के बीच ये मुद्दा उठाएं भी तो उठाएं कैसे। बहरहाल इसी मुद्दे पर आगे भी बात होगी। आपके मन में कोई सवाल है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।